धरनों और मुजाहिरों के दौरान सरकारी इमलाक की तोड़फोड़ का मामला पंजाब हुकूमत ने मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से क्या अपडेट हैं, जानते हैं आकिब तनवीर से। जी आकिब तनवीर बताइएगा। जी, जो गुज़िश्ता दिनों एहतजाजी मुजाहरे और धरने हुए और इसके दौरान जो हंगामा रही और तोड़फोड़ हुई, इस हवाले से जो दर्ज मुकदमात है उसके ऊपर जो सूबाई वजीर इत्तला फयाज़ हसन चौहान का बयान सामने आया, उनका ये कहना है कि एक तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, दूसरा किसी को भी रायत नहीं बरती जाएगी। याद रहे कि इलामा खादम हुसैन रिजवी, पीर अफजल कादरी, उनके दिगर जो 400 से ज्यादा कारकुनान थे उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए थे उस हवाले से उन्होंने बात की। उनका कहना था कि FIR में जो नामजद मुलजिमान है उनको उनके प्रोसेस से एक तो गुजरना भी होगा, दूसरा हिसाब देना होगा कि किस तरह से जलाओ गिराओ किया गया और सरकारी अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया गया। इसके ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो फैसला करेगी कि इनको किस तरह से चलाना, लेकिन कानून के मुताबिक कानूनी प्रोसेस के तहत ही इनके मुकदमात जो हैं वो चलाए जाएंगे और इसी हवाले से कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।